नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर। सावन के पहले दिन 1 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने उठाया जल। जीविका दीदियों ने सवारा बिहार के बच्चों का भविष्य। बिहार के गाँव में बेरोजगार युवक बनेंगे ट्रांसपोर्टर। नेपाल के पानी से बिहार में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर। आज यानी कि मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बैठक पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई। वहीं इस बैठक में जिन विभाग के एजेंडों पर मुहर लगाई गई है उनमें उद्योग विभाग, भवन निर्माण विभाग, वित्त विभाग समेत अन्य विभाग शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज हुए इस बैठक में बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को लेकर स्वीकृति दे दी गई है। वही बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन चर्म एवं वस्त्र नीति 2002 को अवधि विस्तार कर 30 जून 2024 तक करने के संबंध में स्वीकृति दे दी गई है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल 5 पदों का सृजन तथा आंसू लिपिक के अनावश्यक कुल 53 पदों को विलोपित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई है। इसके साथ इस बैठक में कई अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई। सावन के पहले दिन 1 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने उठाया जल। आज यानी कि 4 जुलाई से भगवान शिव का पसंदीदा महीना का शुरुआत हो गया है। ऐसा कहते हैं कि इस दौरान जो भी भगवान शिव की भक्ति करता है उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। बता दें कि इस बार सावन पूरा 2 महीना तक रहने वाला है। ऐसे में आज सावन के पहले दिन सुल्तानगंज में पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के द्वारा गंगा स्नान किया गया। इसके साथ ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा अजगैवीनाथ मंदिर में भी बाबा पर जलार्पण किया गया। मालूम होगा इस दौरान कई कांवड़िया ऐसे भी हैं जिन्होंने सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम की ओर प्रस्थान किया। ऐसे में कांवड़ियों को अपने सफर में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। बता दें कि सुल्तानगंज में न केवल बिहार के कांवड़ियों का जत्था पहुंचा बल्कि नेपाल, दार्जिलिंग, बंगाल, असम सहित झारखंड के कांवड़ियों का भी जत्था पहुंचा है। शिक्षक नियुक्ति पर मुख्य सचिव ने स्पष्ट की स्थिति। इन दिनों बिहार में शिक्षक नियुक्ति के नियमों में हुए बदलाव को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया गया। वहीं अब इस विरोध को इस नियोजन में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को अवसर देने की वजह से और भी आग लग गई है। ऐसे में इन स्थिति को मुख्य सचिव आमिर सुभानी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि अभी जो बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है उससे पहले बीपीएससी द्वारा 3 बार शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई है। 1994, 1999 में और 2000 में बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा ली थी और तब भी यही नियम था कि देश के किसी भी भाग के नागरिक परीक्षा में भाग ले सकते हैं और चयनित हो सकते हैं। इसी आधार पर पहले चयन हुआ है। 1991 में ही शिक्षक नियुक्ति की नियमावली बनी थी, उसमें स्थानीय निवासी के ही आवेदन करने का प्रावधान नहीं था। इस कारण से इस बार भी जो बीपीएससी से परीक्षा होगी उसमें बिहार का निवासी होने का प्रावधान नहीं रखा जा सकता है। भारत के संविधान में जो भी काफी सारे संशोधन हुए हैं हमने भी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में फेरबदल किया है। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में हुई बढ़ोतरी। आज यानी कि मंगलवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के द्वारा कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि बढ़ोतरी प्रति सिलेंडर पर 7 रुपए की गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में कटौती की गई थी। मालूम हो कि सरकार ने 19 किलो एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कुल 83.5 रुपए की कमी की गई थी। वहीं 1 मई 2023 को इसकी कीमत में 172 रुपए की कटौती की गई थी। वहीं अब कमर्शियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होने से लोगों को इस बात की चिंता है कि अब खान पान की वस्तुओं की कीमत में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बिहार की केंद्र सरकार से मांग। लखनऊ से लेकर गाजीपुर में बिहार की सीमा तक बना हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन से मिलकर एक बैठक में केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा गया कि इस एक्सप्रेसवे का विस्तार भागलपुर तक किया जाए ताकि पूर्वांचल की झारखंड पश्चिम बंगाल तक अच्छी कनेक्टिविटी हो सके। इसके साथ ही सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे जिसका बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरता है इसलिए इस परियोजना में तेजी लाई जाए ताकि बिहार को इसका लाभ मिल सके। मालूम हो कि इस परियोजना को घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की जा चुकी है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत राज्य योजना को भी केंद्र से मंजूर करने का आग्रह किया गया है।
जीविका दीदियों ने सवारा बिहार के बच्चों का भविष्य। जीविका की ओर से बीते 1 से 30 जून तक राज्य के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के दौरान पूरे बिहार में कक्षा 5 से 7वीं तक के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 519,819 बच्चों के गांव में चबूतरों, घरों व सरकारी भवनों में खेल खेल में पढ़ाया गया था। इस दौरान जीविका के द्वारा अपने गाँव के युवक युवतियों को चिन्हित कर उन्हें अक्षर ज्ञान, कहानी पढ़ाना, सामान्य गणित समेत कई विषयों की जानकारी दी गई। बता दें कि समर कैंप से पहले जब बच्चों का मूल्यांकन किया गया था तो उस दौरान 5.19 लाख बच्चों में सिर्फ 1% ही बच्चे ऐसे थे जिन्हें कहानी पढ़ने आती थी। वहीं 2% बच्चे ही एक पैराग्राफ पढ़ पा रहे थे। मात्र 35% बच्चे ही अक्षर पहचान पाए। केवल 38% बच्चे ही किसी शब्द को पढ़ पा रहे थे। 24% बच्चों को अक्षर का भी ज्ञान नहीं था। वहीं समर कैंप के बाद जब मूल्यांकन रिपोर्ट आई तो उसके अनुसार 30% बच्चे अब कहानियां पढ़ पा रहे हैं। वहीं 23% बच्चे पूरा पैराग्राफ पढ़ ले रहे हैं तो 22% बच्चे शब्द और 17% बच्चे अक्षर पहचान ले रहे हैं। हालांकि 9% बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें कोई प्रगति नहीं देखी गई है। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलेगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। आज से श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर रेलवे की ओर से 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। बता दें इस बात की जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है। मालूम हो कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए जिन 5 ट्रेनों का परिचालन किया गया है उनमें आसनसोल पटना आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल, गया जसीडीह गया श्रावणी मेला स्पेशल, रक्सौल भागलपुर रक्सौल श्रावणी मेला स्पेशल, दानापुर साहिबगंज दानापुर स्पेशल और गोरखपुर देवघर गोरखपुर अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन के नाम शामिल हैं। बिहार के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1113 अतिथि शिक्षकों की होगी नियुक्ति। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर बिहार के सभी जिलों के उच्च माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विषय के लिए 1113 अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के उच्च विद्यालयों में अभी केवल 3144 अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जबकि इन स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के लिए स्वीकृत पद 4257 है। ऐसे में खाली पड़े 1113 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति बताए गए विषयों के लिए नियमानुसार और पहले जारी किए गए संकल्प के अनुसार की जाए। नेपाल के पानी से बिहार में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। बिहार में पिछले एक सप्ताह से मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। ऐसे में बिहार में हो रही पानी और नेपाल से आ रही पानी के कारण बिहार की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, बागमती में भी उफान देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सभी अभी खतरे के निशान से बचे हैं। हालांकि अगर 1-2 दिन लगातार बारिश होती है तो ये खतरे के निशान तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मुंगेर में गंगा का जलस्तर हर घंटे 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है और अब तक 31.63 मीटर दर्ज किया गया है। वहीं वाल्मीकि नगर बराज पर जल जमाव 59.6 से बढ़कर 81.8 हजार क्यूसेक हो गया है। कटौझा में बागमती का जलस्तर खतरे के निशान 55 मीटर से 1.37 मीटर नीचे बह रही है। वहीं सबके अलावा अब आज से गंडक और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। बिहार के गांव में बेरोजगार युवक बनेंगे ट्रांसपोर्टर। बिहार के गांव के बेरोजगार युवक ट्रांसपोर्टर बन सके और गांव से लेकर शहर तक अपनी गाड़ियां दौड़ा सके और अपने इन सपनों को पूरा करने में पैसे को लेकर उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर बिहार सरकार की ओर से एक खास योजना बनाई जा रही है। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा इस योजना के तहत हर साल लगभग 3,700 युवकों को सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दें कि इस योजना के तहत परिवहन विभाग मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत युवाओं को वाहन की खरीद पर भारी भरकम सहायता देगी। इसमें प्रत्येक पंचायत में 7 लाभुकों को वाहन खरीद कर अनुदान की व्यवस्था की जाएगी, जिसके तहत उन्हें वाहन खरीदने के लिए खरीद का 50% या अधिकतम 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर वाहन खरीद के लिए उनके द्वारा किसी संस्था से ऋण लिया गया है तो सरकार उस संस्था को देय राशि का भुगतान भी करेगी। संतोष सुमन को मिला वाई प्लस सुरक्षा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन की सुरक्षा को बढ़ाने का निर्णय लेते हुए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। बता दें कि उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा आज यानी कि मंगलवार को ही दी गई है। ऐसे में अब संतोष सुमन को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय बेहद खास माना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार के द्वारा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सैनी को भी सुरक्षा प्रदान की गई थी। अब उस लिस्ट में संतोष सुमन का भी नाम शामिल हो चुका है।
सीएम नीतीश से मिले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के बीच मुलाकात हुई। बता दें कि इन दोनों के मुलाकात को लेकर किसी को किसी भी तरह की कोई खबर नहीं थी। मालूम हो कि सीएम नीतीश कुमार और उपसभापति हरिवंश के बीच लगभग डेढ़ घंटे तक मुलाकात हुई। वहीं अब उनकी इस मुलाकात के सियासी मायने निकल कर सामने आने लगे हैं और दोनों के बीच हुई इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। मालूम हो कि सियासी जानकार का कहना है कि एनडीए से अलग होने के बाद भी नीतीश कुमार ने सोची समझी रणनीति के तहत हरिवंश को बीजेपी के साथ बनाए रखा है ताकि जब समय आए तो वो हरिवंश बीजेपी और जेडीयू के बीच बातचीत की अहम कड़ी बन सके। वहीं चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है कि समय आने पर सीएम नीतीश कुमार हरिवंश का इस्तेमाल करेंगे। बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी मायावती की पार्टी, बसपा सांसद ने किया ऐलान। बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम नालंदा के राजगीर में बहुजन समाज पार्टी की 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। वहीं पटना पहुंचते ही उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बसपा इस बार बिहार की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और साथ ही चुनाव में शानदार जीत भी हासिल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर दायर किए गए आरोप पत्र पर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय चार्ज सीट को फाइल करना कोई अहम बात नहीं है, इस तरह के खेल चुनाव से पहले होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सारा खेल चुनाव के समय ही शुरू करती है। वे चुनाव के समय विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए ईडी, सीबीआई और आईआईटी का इस्तेमाल करती है, लेकिन जनता सब जानती है और वर्ष 2024 में जरूर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जॉनी बेयरस्टो के रन आउट विवाद पर भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कसा तंज। एक तरफ जहां लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम के स्टार बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के रन आउट होने पर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले पर भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर अपना बयान देते हुए तंज कसा गया है। दरअसल ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के स्पोक्सपर्सन के द्वारा एक मीडिया ब्रीफ में कहा गया कि प्रधानमंत्री सुनक इस मसले पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की बात से सहमत है। स्टोक्स ने आगे कहा कि इस तरह का रन आउट खेल भावना के विरुद्ध है, हम ऑस्ट्रेलिया की तरह मैच नहीं जीतना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंग्लैंड की दूसरी पारी के 52वें ओवर में कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करने आए थे। इस दौरान उनके सामने क्रीज पर जॉनी बेयरस्टो मौजूद थे, जिन्होंने बाउंसर गेंद पर कोई शॉट नहीं खेला और नीचे झुककर खुद का बचाव करते नजर आए और फिर इसके बाद वह गेंद को छोड़ अपने खिलाड़ी से बातचीत करने के लिए जैसे ही क्रीज से आगे बढ़े थे, विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने गेंद को फेंक कर उन्हें आउट कर दिया, जिसके बाद यह विवाद खड़ा हो गया। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.5 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा कसमगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन मदरा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने मदरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनुज कुमार, रवि कुमार राम, मृत्युंजय कुमार, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, नुनू गोलू कुमार, सदुल्लाह पलवी, मोहम्मद अफजल मंसूरी, अनवर करीम खान, चंदेश्वर सिंह, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो, सुशील कुमार मोदी, नागेश्वर राय, कामेश्वर पीडी सिंह। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार अब तक भारतीय क्रिकेट टीम में बेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन रहे हैं? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।